दोस्तों अगर पति को किसी भी केस को जीतना है, चाहे वो केस आईपीसी 498A का हो, डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का हो, डाइवोर्स का हो, सीआरपीसी 125 का हो, एचएमए सेक्शन 24 का हो, एचएमए सेक्शन 9 का हो, यानी कि कैसा भी केस क्यों ना हो, चाहे वो केस पत्नी की तरफ से डाला गया हो या फिर पति की तरफ से डाला गया हो, तो हर केस के अंदर है जो पति को ये बात जरूर बोलनी है, जो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि पत्नी सही है, मैं गलत हूँ। पर ये पति को क्यों बोलनी है, कैसे बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, इससे पति का क्या फायदा होगा, तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का 100% वीडियो है, पर आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आपने देखा होगा, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि पत्नी ने अगर आपके ऊपर केस डाले हैं या फिर आप पत्नी के ऊपर केस डाल रहे हैं, तो यहाँ पे पत्नी के बहुत ही संगीन आरोप है जो आपके ऊपर होते हैं, यानी कि इतने संगीन आरोप होते हैं कि वो आपको जेल करवा सकते हैं, आपको ऐसी सजा दिलवा सकते हैं जिससे आप जिंदगी में भी है जो जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यानी कि इतना गलत वो पत्नी आपको दिखाती है जितना शायद आप होंगे भी नहीं, यानी कि बिल्कुल भी आप नहीं होंगे। यानी कि आपके मन के अंदर बस यही ख्याल आता है कि जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमने जब उसके साथ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तब भी है जो उसने हमारे ऊपर इतने संगीन आरोप क्यों लगा दिए हैं। और जब आपके द्वारा भी है जो पत्नी के ऊपर केस किए जाते हैं, तो आपके द्वारा भी है जो पत्नी को गलत ही दिखाया जाता है कि पत्नी गलत है, इसने है जो ऐसे ऐसे हमारे साथ में गलत किया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि आप भी है जो उसको गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे के द्वारा है जो एक दूसरे को गलत दिखाने की भरपूर कोशिश है जो हर केस के अंदर की जाती है, तो ये है जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। चाहे पत्नी के द्वारा तो आपको गलत दिखाया जा रहा है, पर आपको क्या करना है, आपकी जब बारी आए, पत्नी के चाहे केस हो या फिर आपके केस हो, तो आपको जब भी उसके अंदर जवाब देना है, आपकी बोलने की जब भी बारी आती है, तो आपको बस पत्नी को सही ही बोलना है कि पत्नी खुद सही है, मैं गलत हूं। पर ये आपको क्यों बोलना है, इससे है जो आपका क्या फायदा होगा। देखो इससे आपका ये फायदा होगा कि देखो आपकी इमेज है जो एक अच्छी इमेज है, आपकी छवि है जो बिल्कुल सही है, यानी कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो केस को जितवाने के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये छोटी बात जरूर लगती है, पर यहाँ पे इससे आपका है जो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपको ये बताना है कि आपने पत्नी के लिए जो भी जितना अच्छा किया है साथ में रहते हुए, यानी कि जब आपकी शादी हुई है और शादी के बाद में जो कंटिन्यू आप साथ में रहे हैं, तो आप जैसे घूमने फिरने गए हैं, उसके साथ में जो भी आपने एंजॉयमेंट किया है, यानी कि उसके लिए जो भी अच्छा किया है, चाहे आप घूमने फिरने को लेके हैं, उसको खाने पिलाने को लेके हैं, उसके लिए ज्वेलरी वगैरह, उसके लिए प्लॉट वगैरह, उसके लिए एफडी वगैरह, यानी कि उसके भविष्य के बारे में भी अगर आपने सोचा है, यानी कि सब कुछ अगर आपने बेटर से बेटर है जो उसके लिए किया है, उनके एविडेंस अगर आपके पास में है, तो आपको उन सभी को कोर्ट के अंदर रख के और कोर्ट के सामने बोलना है। सबसे पहले तो आपको ये बोलना है कि मैं ही गलत हूँ जो मैंने इससे शादी की है, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये बोलना है, और आगे आपको ये बोलना है कि मैंने जो भी इसके लिए अच्छा किया है, ये तमाम एविडेंस मेरे पास में है, तो मैं ही गलत हूँ, मेरे को है जो इसके लिए इतना अच्छा है जो नहीं करना चाहिए था, मैंने जब इसके लिए इतना अच्छा किया है तब भी है जो ये मुझे गलती दिखा रही है, तो बिल्कुल मैं गलत हूँ, मैंने इसके लिए अच्छा करके गलती किया है, और यहाँ पे इसने जो मेरे साथ में गलत किया है, ये तमाम एविडेंस मेरे पास में है, तब भी ये सही है, यानी कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर डायरेक्टली आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, चाहे इसने बेशक मेरे साथ में गलत किया हो, फिर भी है जो मेरी लाइफ पार्टनर है, इस वजह से मैं इसको मेरे दिल के अंदर जगह दे रहा हूँ, मेरी लाइफ के अंदर जगह दे रहा हूँ, और आगे है जो मैं इसके साथ में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर आप उसके साथ में आगे कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते हैं, उसको अगर आप नहीं भी रखना चाहते हैं, पत्नी ने आपके लिए इतना कुछ गलत किया है, फिर भी है जो आप उसको सही बता रहे हैं और अपने आप को गलत बता रहे हैं, जबकि आपने है जो उसके लिए अच्छा से अच्छा है जो किया है, तो इससे है जो आपकी सबसे बड़ी महानता है जो कोर्ट के सामने नजर आएगी, आपकी एक अच्छी छवि है जो कोर्ट के सामने नजर आएगी कि आप है जो पत्नी के साथ में गलत कर ही नहीं सकते हैं, तो इसी से है जो आपका काम बन जाएगा, आपका ग्राउंड है जो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। बस ये छोटी बात है, पर इससे है जो आपका बहुत बड़ा फायदा है जो होने वाला है। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।